नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में महिला स्वयं सहायता समूह की एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसके संबंध में जिला आपदा अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि ये प्रधानमंत्री के आपदा का जो एजेंडा बिंदु है, उसी में से एक बिंदु है महिलाओं को आपदा के प्रति जागरूक किया जाए, जिसको देखते हुए गोरखपुर मंडल की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि जो दैवीय आपदा आती है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित नारी शक्ति होती है, उनको इससे निपटने के लिए जागरूक किया जा सके, जिससे वो अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि मंडल में ज्यादातर जो केस होते हैं वो डूबने से मृत्यु होती है, उस पर महिलाएं अंकुश लगा सकती हैं, अपने पूरे परिवार को जागरूक कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और जो थोड़ा सा नींद भी है अगर बगल वाले वो भी जा करते हैं कि नया कुछ शुरू हो गया है। तो ये कार्यशाला आप लोगों के लिए है, ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि जो आज आप लोगों ने यहाँ पे अपना कीमती समय यहाँ पे दिया है, आप लोगों को आपदा प्रबंधन के संबंध में छोटी छोटी बातें जो चीजें हैं वो सभी आप लोगों तक पहुँचाई जाए, जिससे कि आप यहाँ पे जो हमें पता चले कि यहाँ पे समूह की अध्यक्ष आई हुई है, तो जो आप लोग यहाँ से जाएं तो अपने पास अपनी जो समूह है कम से कम उस समूह में इसकी चर्चा जरूर करें। आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे आईसी मटेरियल उपलब्ध कराए गए हैं, प्रचार प्रचार की सामग्रियां आप लोगों को उपलब्ध कराई गई है। ये आप जब भी जाएं किसी विद्यालय में, अपने आसपास के विद्यालय में, अपने घर के बच्चों के माध्यम से इसको पढ़वाएं, इन लोगों को बच्चों को इसमें जागरूक करें और एक महिला को अवसर मिलेगा उस सवाल का जवाब देने का है जो भी यहाँ पे प्रशिक्षण आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो कि मंडल स्तरीय गोरखपुर, चुकी नगर, महाराजगंज और देवरिया, इन सभी जनपदों के स्वयं सहायता समूह की समूह सखियों को आपदा के बारे में जागरूक करने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय उपाध्यक्ष श्री योगेंद्र डिग्री सर, अपर आयुक्त श्री केबी सिंह सर, संतोष जी डिप्टी कमांडेंट NDRF, यूनिसेफ से उपस्थित हमारे सभी साथीगण और सभी आपदा विशेषज्ञगण, इसके अलावा सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी को अप्रिशिएट करूँगा तो आप सभी महिलाओं को जिन्होंने गोरखपुर के अलावा उसी नगर के कहीं किसी तरकोई रास्ते कोई आया है, तो कोई हाटा से आया है, कोई खट्टा से, कोई रामकोला से, तो कोई निश्लौल से आया है, कोई नौतरवा से, कोई सलेमपुर से, तो कोई भाटपा रानी से, इतनी दूर से आप लोग समय से यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके लिए आप सभी लोगों को एक धन्यवाद तो मेरी तरफ से बनता ही है कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लिया इस कार्यशाला में आने के लिए। और एनआरएलएम की जो टीम है आपके जिले की, उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने आप सभी लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित किया कि इस कार्यशाला में आप उपस्थित हो। तो मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कार्यशाला का उद्देश्य सिर्फ यही है हमारा कि हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए जन जन को कैसे जागरूक करें। महिलाओं का ध्यान सबसे पहले परिवार की तरफ जाता है, उसके बाद अपने ऊपर जाता है। अगर हम डूबने की बात कर रहे हैं, मेरे को सच सच बताओ कि आप में से तैरना कितनों को आता है? हाथ खड़ा करो। नीचे 10%। और आपके पहनाव के साथ कितना आसान है तैरना? तो सबसे ज्यादा प्रभावित हमारी महिलाएं होती हैं। और आप जानते हैं आपके दैनिक कार्यों में आपदाओं का भी फिर कितना फर्क पड़ता है, बच्चों की देखभाल, स्कूल, क्लिनिक ले जाना, सार्वजनिक परिवहन, पारिवारिक नेटवर्क्स, ये सब बाधित हो जाती हैं। और जब ये सब सेवाएं बाधित हो जाती हैं तो आपके खुद के घर के कार्य में भी वृद्धि हो जाती है।
जो कि आपने संभाला। ये तो था एक पहलू। अब आप इसका दूसरा पहलू देखिए कि हालांकि महिलाएं सबसे ज्यादा संवेदनशील होती हैं, पर वो बिल्कुल भी असहाय या पीड़ित नहीं है। क्यों? क्योंकि सामाजिक शक्ति के रूप में आपके कौशल और आपकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। परिवार में आपकी भूमिका परिवार को और समुदाय दोनों को टिकाऊ बनाता है। संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला आपदा अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने कहा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 10 पॉइंट के जो एजेंडा बिंदु है, उसी में से एक बिंदु है महिलाओं को आपदा के बारे में जागरूक करना। उसी के दृष्टिगत गोरखपुर मंडल के सभी चारों जिलों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो महिलाएँ हैं, उनको आज यहाँ गंभीरनाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जो भी हमारी दैवीय आपदाएं आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी नारी शक्ति, हमारी महिलाएं होती हैं, माताएं बहनें होती हैं, तो उनको इससे निपटने के लिए जागरूक करना कि कैसे आपदा के जोखिम को वो कम कर सकें और अपनी खुद की सुरक्षा तथा अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सकें, उनको सुरक्षित रख सकें। साथ ही ये भी देखा गया है कि गोरखपुर में या इस मंडल में ज़्यादातर महिलाएं, ज़्यादातर जो डेथ के केसेज होते हैं दैवीय आपदा के दृष्टिगत, वो नदी तालाब में नहाते वक्त क्या किन्हीं प्रकार से लापरवाही के कारण डूबने से मृत्यु होती है। तो उस पर भी महिलाएं अपने परिवार के लोगों पर, अपने बच्चों पर अंकुश लगा सकती हैं और उस लिए भी जागरूक किया जाएगा कि उस पर भी हम, उसको भी हम न्यूनीकृत कर सकें और उस से होने वाली डेथ को कम कर सके। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने सर्किट हाउस के सभागार में मंडल के आपदा प्रबंधन गतिविधियों की समीक्षा बैठक की, जिसके संबंध में राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने बताया कि यह हमारा गोरखपुर का पहला दौरा है। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला तो सबसे पहले गोरखपुर मंडल का चयन किया। हमने गोरखपुर मंडल की आपदा की समीक्षा की है, जिससे हर एक जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए क्या तैयारियां की गई हैं और ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं, यदि कोई आपदा आती है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, जिससे पाया गया कि सभी जनपद पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है, जिसकी आवश्यकता है हमें उस पर आगे विचार करेंगे। इस अवसर पर जिला आपदा अधिकारी विनीत कुमार सिंह, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए राज्य आपदा प्राधिकरण के नवागत उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने कहा, यह पहला दौरा है हमारा अपना कार्यभार संभालने के बाद, और सबसे पहले चयन किया गोरखपुर मंडल का। मंडल स्तरीय बैठक थी यहाँ पे, और जिसमें हमने जायज़ा लिया कि हर एक जनपद में आपदा प्रबंधन के लिए क्या तैयारियाँ की गई हैं और ज़मीनी हालात क्या है, किस तरीके की भी आपदा हो उसके लिए क्या हम तैयार हैं। तो ये तो पाया है ज़रूर कि हाँ, लड़के तैयार हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है वो हिसाब हमने ले लिया। ठीक, थैंक यू। समीक्षा के दौरान कुछ फाइंडिंग्स, हाँ, जो जो काम मैंने आगे ले जाने हैं उनके बारे में मेरे को जानकारी मिल चुकी है। जो जमीन पर काम हो रहा है उससे संतुष्टि मैं जाहिर कर चुका हूँ। सर, कंबलों को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। अभी तक कंबल जितने आने थे सब पहुँच चुके हैं, बढ़ चुके हैं लोगों में। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कहां पर पड़ेगी, उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाए। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित मंडल क्रिकेट संघ से संबद्ध और उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ से मान्यता प्राप्त 7वीं ऑल इंडिया प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का गोरखपुर में 3 मार्च से 10 मार्च तक गोरखपुर में किया जा रहा है, जिसके संबंध में लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉक्टर तिलोक रंजन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार राशि वाले लीग आधारित इस
क्रिकेट प्रतियोगिता को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सेंट एंड्रयूज कॉलेज के मैदान पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें देश भर से लगभग 8 प्रमुख टीमें लक्ष्य चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगी। सफेद गेंद से रंगीन किट में 2020 ओवरों के लीग आधारित इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 8 टीमों को 2 पूल में बांटा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक पूल की टीमें एक दूसरे से मैच खेलेंगी और प्रत्येक पूल से 2-2 सर्वश्रेष्ठ टीमें सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करेंगी। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉ. तिलक रंजन ने बताया कि आयोजन समिति ने सफल आयोजन के लिए तकनीकी समिति सहित अन्य कई कमेटियों का गठन किया गया है। तकनीकी समिति और अंपायरों के पैनल द्वारा ही 8 टीमों को 2 पूल में बांटा जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े पुरस्कार राशि वाले इस प्रतियोगिता के विजेता टीम को 3,00,000 रुपए नगद व लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी व उपविजेता टीम को 2,00,000 नगद व उपविजेता ट्रॉफी प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 12,000 नगद, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को क्रमशः 11,000 का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी दिया जाएगा एवं प्रत्येक मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पूर्व पत्रकार स्वर्गीय योगेश्वर सिंह की स्मृति में मैन ऑफ द मैच का नगद पुरस्कार व ट्रॉफी भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त इस प्रतियोगिता को सफल बनाने हेतु BCCI के अंपायर अश्वनी मनध्यानी व अंतर्राष्ट्रीय स्कोरर SP सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय BCCI स्तर के अंपायरों व स्कोरर की टीम आएगी, जिनके दिशा निर्देश में BCCI के नियमों के अंतर्गत प्रतियोगिता को आयोजित किया जाएगा। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी थर्ड अंपायर की व्यवस्था की गई है, जो मैच के दौरान मैदान में कैमरों से नजर रखेगी, जिससे कि रन आउट सहित अन्य निर्णय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के संरक्षक हर्ष सिन्हा, संयुक्त सचिव डॉ. मुदित गुप्ता, उपाध्यक्ष संतोष त्रिपाठी, शफीक अहमद सिद्दीकी, मनीष सिंह, राजन राव, डॉ. MP सिंह, हसन नदीम, अरविंद मिश्रा, पंकज मिश्रा, सर्वेश श्रीवास्तव, निशांत त्रिपाठी, अजीत श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, डॉ. इब्राहिम, शैलेंद्र गुप्ता, परितोष बांगड़, अजय मल, मनोज प्रेम सहित अन्य खिलाड़ी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉ. तिलोक रंजन ने कहा, लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी जो पिछले 6 सालों से ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है, उसका यह 7वां वर्जन है, जो 3 मार्च 2024 से शुरू होकर 10 मार्च 2024 को समाप्त होगा, उसी से संदर्भ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। सर, कुल कितने टीमें इस मैच में भाग लेंगी? हर बार की तरह इस बार भी 8 टीमें होंगी, जिनको 2 पूल में बांटा जाएगा। ये 4-4 लोगों के 2 पूल होंगे, दोनों में से 2 सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीमें और उसके बाद 1 फाइनल होगा। ये यूपी का सबसे बड़ा प्राइज मनी टूर्नामेंट है, इसमें विजेता टीम को 3,00,000 रुपए, उप विजेता टीम को 2,00,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेस भी होते हैं, मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार है जो 21,000 रुपए का होता है, बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन का जो अवार्ड होता है वो 21,000 रुपए का होता है। इसके अलावा जो सारे मैचेस खेले जाते हैं, इसमें मैन ऑफ द मैच का ही पुरस्कार होता है जो 2100 रुपए का होता है। ये आपके ही पुराने सहयोगी योगेश्वर सिंह के नाम पे ही दिया जाता है, जो आपके कुछ नेशनल खिलाड़ी भी क्या उसमें भाग लेते हैं? सर, अभी तक हमारे पास लगभग 15 टीमों की पूल तैयार है जो आने के लिए तैयार है, उसमें से 8 टीमों को हमको सेलेक्ट करना है, इसीलिए अभी पूल भी डिसाइड नहीं हुआ और किन टीमों को हम सेलेक्ट करेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन जो टीमें प्रस्तावित हैं उसमें अगर आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल प्लेयर बरिंदर सरन, उनके आने की संभावना है, इस समय के करंट प्लेयर रिंकू सिंह के आने की संभावना है और ढेर सारे IPL और ऑलमोस्ट सारे ही रणजी प्लेयर जो करंट के हैं उनके आने की संभावना है। ये 3 मार्च से शुरू होगा और 2 ग्राउंड पे होगा, हर बार की तरह रेलवे क्रिकेट ग्राउंड और सेंट एंड्रयूज ग्राउंड पे। अब की बार अच्छी बात ये है कि हम लोग दर्शकों की भी डिमांड थी बाकी सबकी कि ये T20 फॉर्मेट में होगा, तो एक ही दिन में हम 2 मैच एक ही ग्राउंड पे करा लेंगे। देखिए, हम ये आमंत्रित टूर्नामेंट होता है, इनविटेशनल, जिसमें सारे खर्चे लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी वहन करती है, तो हम लोग के पास ये ऑप्शन होता है कि जो हमारे पास पाइपलाइन में टीमें हों उसमें जो बेस्ट 8 टीमें हों, जिसमें जो है बड़े नाम हो, नेशनल इंटरनेशनल करेंट रणजी IPL प्लेयर्स जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, उन टीमों को हम बुलाने की कोशिश करते हैं। तो उसका तरीका हम ये रखते हैं कि हम 15 टीम से उनके जो 16 सदस्य टीम होगी उनके
प्लेयर्स का लिस्ट हम मंगाते हैं। उसकी एक ज़रूरत यह भी होती है कि किट भी हम प्रोवाइड करते हैं, तो साइज के हिसाब से उनकी किट भी बनानी होती है। तो उसके जो लिस्ट होती है उसमें जिसमें बड़े प्लेयर्स के नाम ज़्यादा होते हैं, हम लोग उनको प्रायोरिटी। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का सैलाब। ब्रह्मा मुहूर्त में श्रद्धालुओं राम घाट पर स्नान कर रहे हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन रहकर नदी में स्नान किए जाने का विशेष विधान आज के दिन तिल के साथ सामर्थ्य भर किया जाता है दान। आज के दिन दान करने का विशेष महत्व होता है। नदी में स्नान से सभी तरह के पापों की होती है मुक्ति। मौनी अमावस्या पर पूजन स्नान दान का है विशेष महत्व। अमावस्या पर तिल के साथ गुड़ और अन्य वस्तुओं के दान का विशेष है महत्व। मौन रहकर श्रद्धालु आस्था की पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने कहा, बहुत बड़ा विधान है बाबू, आज के दिन तो मौन होकर नहाना चाहिए। और हिंदू का सबसे बड़ा आस्था है, सबको स्नान करना चाहिए। दान पुण्य यज्ञ होम जो कुछ करना है आज के दिन करना चाहिए। हमारे हिंदुओं का यही आस्था है। हम हिंदू अपना हिंदुत्व छोड़ दिए इसलिए दुखी है, इसलिए अपना हिंदुत्व अपनाना चाहिए हिंदुओं को। और स्नान करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान में आस्था रखना चाहिए। तिल और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। तिल, हाँ, तिल गुड़ चढ़ाया जाता है, छुआ जाता है। लेप कराई हूँ मैं, ये उसमें तिल भी है और ये चावल है, दाल है, ये लोग छुएंगे। मैं तो घर पर स्नान गंगा जल डाल के करके आई। आज जो है हिंदू रीति रिवाज की वजह से माघ के अमावस्या को यहाँ जो आसपास की नदियाँ उसमें स्नान करते हैं, पूर्ण फल का मिलता है। हिंदू लिखा हुआ बताया जाता है, तिल और गुड़ भी चढ़ाया जाता है। यस, आज तिल और गुड़ का बहुत महत्व है, क्योंकि सर्दी से बचाव के लिए वैज्ञानिक कारण भी है कि सर्दी से बचाव के लिए तिल और गुड़ का प्रयोग बहुत ही लाभकारी होता है। देवेंद्र, गोरखपुर में वार्ड नंबर 18 झरना टोला की पार्षद माया देवी व पार्षद समद गुफरान का लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वार्ड में प्रथम आगमन पर नागरिकों के फूल मालाओं व ढोल नगाड़े के साथ भव्य स्वागत किया गया। आपको बताते कि गोरखपुर के 14 पार्षदों ने लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ली है, जिसमें निर्दल व सपा के पार्षद भी शामिल हैं। लखनऊ में दोनों उप मुख्यमंत्री व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ली है, जिसमें माया देवी व समद गुफरान भी शामिल हैं। वहीं माया देवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी के कार्य से बहुत प्रभावित हूं। वो महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देकर महिलाओं के मनोबल को बढ़ाया है, जिसमें मैं बहुत ही खुश हूँ। उम्मीद है कि हम सब एक भाजपा पार्षद के रूप में कार्य करते हुए अपने वार्ड का समुचित विकास कर पाऊंगे। इस संबंध में पार्षद समद गुफरान ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि हम सबका परिवार है, जिसमें सबका साथ सबका विकास के साथ देश को तरक्की की तरफ ले जा रही है। हम लोग 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए झरना टोला की पार्षद माया निषाद व पार्षद समद गुफरान ने कहा, बीजेपी में हम लोग ज्वाइन हुए, बहुत ही खुशी है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी, हम लोग का एकदम मन हर्षित हो गया है, प्रफुल्लित हर्षित हो गया है। अच्छा, क्यों और अन्य पार्टी में क्यों बीजेपी में क्यों? क्योंकि मुझे माननीय भैया योगी जी मोदी जी का कार्य बहुत ही अच्छा है लगता है। उन लोग के काम से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ, बहुत ही खुशी होती है। और उन्होंने महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका पार्टी। माया निशा, देखिए बीजेपी आज लग रहा है सबको कि आज हमने बीजेपी ज्वाइन किया है, लेकिन हमारे प्रोफाइल को चाहे हमारे पूरे जीवनी को आप देखेंगे तो जिस प्रकार से बीजेपी आज हमारे पूरे देश में जो विकास का कार्य कर रही है, आप आज चले जाइए और आज से 10 साल पहले आज हर गली में, गली गली में सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, स्कूल का निर्माण लगातार निरंतर बन रहा है, और आज से पहले ये सब देखने को नहीं मिल रहा था। आज हमने बीजेपी जो ज्वाइन किया है
हमारे मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था कि मैं बीजेपी के साथ कदम से कदम मिला करके काम करूं और माननीय योगी जी और मोदी जी के सपनों को मैं साकार करने में कुछ सहयोग कर सकूं तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं सभी लोगों से वादा करता हूं कि अपने पूरे वार्ड सहित पूरे गोरखपुर में हर घर कमल खिला करके ही हम दम लेंगे और निरंतर योगी जी और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए हुए कार्यों का मैं बिल्कुल ईमानदारी से निर्वहन करूंगा। 2024 का चुनाव में कितना मजबूत करेंगे मोदी जी के साथ? देखिए 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो अब पहले से ही मजबूत है, लेकिन मैं अपने वार्ड सहित पूरे गोरखपुर में वादा करता हूं अपने वार्ड के हर एक घर पर कमल का फूल खिलाऊंगा और ये हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है हर घर कमल का कार्यक्रम अभी हमारा 2-3 दिन में शुरू होगा। और मैं चाहता हूं कि जन जन जितने भी लोग हैं कोई यहां पर कोई जात पात का भेदभाव हमारे साथ नहीं रहता है, सभी लोग हमारे पार्टी में उतना ही महत्वपूर्ण है जितने एक बड़े लोग होते हैं। हमारे पार्टी में छोटा बड़ा नहीं दिखा जाता है, सभी लोग स्वागत अभिनंदन सभी लोगों का है और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि मोदी सरकार बनाने के लिए तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ ग्रहण करें, उसका सपना हमारा साकार हो, हम उसके लिए तत्पर रहेंगे। CNRC का जो मुद्दा है वो भ्रमित करते हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं वो अल्पसंख्यक समाज को भ्रमित करती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज़ों को मैं एकदम ऑन पेपर जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो रखा हुआ है, मैं अपने समुदाय में पहुंचाऊंगा और सब लोगों को अवगत कराऊंगा कि जो एक मिथ्या एक झूठ फैलाया जा रहा है कि मुसलमानों को कहीं हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा, तो कभी ऐसा नहीं होना है। और आप लोग भी देख रहे होंगे, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप लोग समाज में ज़्यादा रहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान को किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है। हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारी फंडामेंटल राइट्स हमको मिल नहीं हैं, हम लोग आज़ादी से रह रहे हैं। हाँ, ये सरकार गुंडे बदमाशों के लिए ज़रूर सख्त से सख्त कदम उठा रही है, जिसमें हम लोग भी सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं। अच्छा, विकास को लेकर मियाँ बाजार वार्ड जो है हमेशा से आगे रहा है, क्योंकि नगर निगम इस वार्ड में पड़ता है, तो ऐसे में जब आप भाजपा में चले गए हैं तो कितनी गति मिलेगी आपके हिसाब से? क्या देखिए, बात किसी पार्टी की नहीं है, मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ और मैं अपने वार्ड का हर एक कोना जो वास्तविकता में ख़राब है उसको मैं सही करने की कोशिश करूंगा। और एक वार्ड वालों को सबसे बड़ी खुशखबरी मैं ये देने जा रहा हूं कि बहुत ही जल्द ये कूड़ा पड़ाव जो हट्टी माता मंदिर और इमामबाड़े के पास बना हुआ है वो भी नगर निगम जल्दी ही यहाँ से हटाने वाला है और वहाँ कुछ न कुछ जनता के लिए बहुत बढ़िया नगर निगम देने जा रहा है। आपका अब्दुल रहीम रहीम साहब, आपके पार्षद समद गुफरान, आपके बगल में जो पार्षद गुलरिया के, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? कहना ये चाहेंगे कि भाजपा का काम देखते हुए इनको बड़ा अच्छा लगा, तो ज्यादा दिन से ये नजरिया थी कि हम भाजपा में चले जाएं, तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया और इंशाल्लाह हर अमीर और गरीब का साथ देंगे और छोटे बड़े का साथ देंगे, यही होना चाहिए और यही आगे। हल्द्वानी में हुए दंगा को देखते हुए गोरखपुर पुलिस सतर्क दिखी, पुलिस प्रशासन ने सड़कों पर उतरकर शहर में भ्रमशील रहकर स्थिति का जायजा लिया, जिसमें मंडलायुक्त अनिल ढिंगरा, DIG आनंद कुलकर्णी, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेश, SP सिटी कार्यवाहक SSP कृष्ण बिश्नोई अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए मस्जिदों के आसपास नमाज के दौरान सतर्क रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए DIG आनंद कुलकर्णी ने कहा, सभी जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार प्रभावशील है, पर्याप्त पुलिस बल सभी जगहों पे लगाए गए हैं, QR टीम्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, ड्रोन और CCTV कैमराज की मदद से भी निगरानी की जा रही है, पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से नमाज प्रदर्शन संपन्न कराने के लिए तत्पर है और पूरा अलर्टनेस के साथ।